हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है एवरीथिंग आई नेवर टोल्ड यू, और ये बुक लिखी है अजय के पांडे ने। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 18, और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 19 की, और इस चैप्टर का नाम है रोशन। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब होता क्या है ना, जो रोशन होता है वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है, और जो उसकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल होती है ना वो देख रहा होता है, और जो फ़ोटो होती है ना वो मनीषा और रोशन की होती है जो उन्होंने साथ में खींची थी। अब वो सोचता है ना कि चलो इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाए, क्योंकि ये ना बहुत पुरानी फ़ोटो थी, कई सालों से लगी हुई थी ये फ़ोटो। तो क्या करता है, वो चेंज का बटन दबाता है और गैलरी में ना फ़ोटो देखने लगता है कौन सी फ़ोटो था। तभी क्या होता है ना, उसको एक पुरानी फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें मनीषा, अनुज और रोशन ये तीनों थे, और तीनों ना बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। और रोशन वो फ़ोटो देख के समझ जाता है ना कि मतलब कि ऐसा लगता है इस फ़ोटो को कितने साल हो गए, और वो ना अपनी आंखें बंद करता है और जो पुराने ख्याल होते हैं ना उनमें चला जाता है। अब इतने में क्या होता है ना, कोई दरवाजे पे खटखटाता है और ख्याल से वो वापस आ जाता है, और जब वो दरवाज़ा खोल के देखता है ना तो सोहा होती है। सोहा सीधे अंदर आती है। अब जो सोहा होती है ना, सिर्फ वही एक ऐसी पर्सन है जो इस घर में आया करती थी, और सोहा के ना घर में आते ही एक अलग ही किस्म का माहौल हो गया। और तो वो डायरेक्टली ना किचन में चली गई, दूध निकाला उसने फ्रिज से, और जो रोशन था ना वो चुपचाप बस घर में बैठा हुआ था साइलेंटली। और एक वक्त हुआ करता था जब इनके यहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स आया करते थे, रिश्तेदार आते थे, लेकिन अब घर में ना कोई भी नहीं आता, सब खाली खाली रहता है। अब जो सोहा होती है ना वो कहती है कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही अनुज के साथ। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है ठीक थी मुझे ऐसा लगता है। अब जो सोहा होती है ना कहती है क्या हुआ तुम अपसेट दिखाई दे रहे हो। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है मैं ना उम्मीद कर रहा हूँ कि अनुज आज आएगा। तो सोहा कहती है ना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं यहाँ से जल्दी चली जाती। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है रिलैक्स, थोड़ा ना स्माइल करके कहता है। और कुछ देर बाद ना जो सोहा होती है वो बताती है कि मेरा ना कन्फर्मेशन हो गया है रिसर्च वर्क में। अब जो सोहा थी ना वो प्लान कर रही थी कि फर्टिलिटी और सैरोगेसी में वो पढ़ाई करे यूरोप से, और तो वो बहुत कोशिश कर रही थी काफ़ी लंबे समय से कि उसको एडमिशन मिल जाए किसी इंस्टीट्यूट में। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है यार, फाइनली तुमने कर ही लिया जो तुम्हें पाना था। अब जो सोहा होती है ना वो कहती है तुम भूल रहे हो, मेरा भाई ना परमानेंट रेजिडेंट है जर्मनी का, और तो वो वहाँ पे सीनियर सर्जन भी है। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है तो कितने साल का कोर्स है ये। अब जो सोहा होती है कहती है 2 साल का कोर्स है, और हो सकता है शायद 3 साल भी लग जाएं। अब जो रोशन होता कहता है अच्छा, और तो तुम्हारी क्लिनिक का क्या। अब जो सोहा होती है ना कहती है क्लिनिक तो बड़ा ख़राब चल रहा है यार, तुम्हें पता ही है जब से फ्लाईओवर आया है ना कैसी चीज़ें ख़राब हो गई हमारे लिए, और तो पूरा जो एरिया है ना वही ख़राब हो गया अब उसकी वजह से। और तो अब कुछ ही कस्टमर आते हैं, कुछ ही पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जो नए हॉस्पिटल हैं वो बन रहे हैं आसपास, तो भाई जो अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है वो वहीं पे लोग करा लेते हैं, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह मिल जाती हैं। और वो ना इतना सब कुछ एक सांस में बोल देती है सोहा। अब जो रोशन होता कहता है अच्छा तो तुम्हारे क्या प्लान्स है फिर। अब जो सोहा होती है ना वो कहती है मैं सोच रही हूँ ना कि उस क्लिनिक को बेच दूँ और किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लूँ मेरी रिसर्च ख़त्म होने के बाद। अब जो रोशन होता ना कहता है तुम अपना क्लिनिक बेचोगी, अबे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्या यार। अब जो सोहा होती है ना कहती है दूसरे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और मुझे नहीं लगता मैंने इतना पैसा बचाया भी है, तुम्हें तो मेरी कंडीशंस पता ही है यार, और मुझे ना विदेश से भी ऑफ़र आ रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ ना कि एक कोई ऑफ़र ले लूँ और वहीं पर सेटल हो जाऊँ। अब जो रोशन कहता है क्या मतलब तुम्हारा सेटल हो जाऊँ। अब जो सोहा होती है कहती है कुछ भी नहीं रोशन। अब ना ये कहने के बाद वो उसी पॉइंट पे जो डिस्कशन चल रहा होता है ना वो वहीं पे ख़त्म कर देती है, और इससे पता चल चुका था कि भाई अब वो ज़्यादा बात नहीं करने वाली है, वो वहाँ से चली जाती है। और जो रोशन होता है ना वो साफ देख पा रहा होता है कि सोहा कितनी टेंशन में है, और तो उसको ना एक परिवार की ज़रूरत है। अब वो ना गुड बाय करती है क्योंकि जो अनुज है वो किसी भी वक्त आ सकता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब जो रोशन होता है ना घर को साफ़ सुथरा करता है, यहाँ वहाँ चीज़ें सही करता है, जोमेटो का ऐप खोलता है, खाना ऑर्डर करता है डिनर रात का, और जब वो देखता है ना पूरा मेन्यू तो अनुज की जो फेवरेट होती है वेज बिरयानी वो ऑर्डर कर देता है। और एक हफ्ते बाद वो बाप बेटे आज बैठ के खाना खाने वाले थे साथ में। अब जब एक घंटे बाद अनुज घर आता है ना तो रोशन देखता है कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे जिसके वो जवाब चाहता था। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही अनुज आता है ना तो एक दूसरे को हक करते हैं। अब जो अनुज होता है वो कहता है कैसे हो पापा आप। अब जो रोशन होता है कहता है मैं ठीक हूँ आओ, और तुमने अपनी मम्मी का पहला टास्क ख़त्म कर लिया। अब जब जैसे वो घर में घुसता है ना तो पूछता है रोशन। अब जो अनुज होता है ना कहता है हाँ कर लिया, और क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। अब जो रोशन होता है कहता है हाँ लेकिन पहले ना डिनर कर लेते हैं फिर पूछना। अब जो अनुज होता है ना कहता है नहीं नहीं ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आप पे ज़्यादा बोझ बढ़े। अब जो रोशन होता है वो कहता है बोझ,
और ये कह के ना जो अनुज होता है वो ना एक कमरे के कोने में जाके बैठ जाता है। और तो और ये साफ पता चल रहा था ना अनुज की बॉडी से कि भाई वो अपने ही घर में आके ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। अब जो रोशन होता है ना वो किचन में जाता है, फटाफट जो उसने फूड ऑर्डर करा होता है उसको अरेंज कर रहा होता है, और जो अनुज होता है ना वो आराम से लिविंग रूम में बैठ के ना अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर रहा होता है। और वैसे हमेशा क्या होता था, जब उसके पापा किचन में काम कर रहे होते थे ना तो अनुज आके किचन में उनकी हेल्प कराता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने फ़ोन में बिजी था, अपने स्मार्टफोन में, और जो उसके पापा थे ना वो काम कर रहे थे, और तो और वो लग रहा था कि खाने पीने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि अनुज को खाना पीना बहुत पसंद था। अब जो रोशन होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करा सकते हो खाना परोसने में। अब वो जो अनुज होता है ना वो किचन में आता है, जब वो खाना देखता है ना कहता है हो बिरयानी। अब जो रोशन होता है कहता है हाँ। अब वो लोग क्या करते हैं ना, टेबल पे बैठ जाते हैं, और जो सारा अटेंशन होता है ना वो मोबाइल फ़ोन से हट के खाने की प्लेट पे आ जाता है। और कहते हैं ना जी, खाने में ना एक बहुत अमेजिंग पावर होती है, कितना भी ख़राब आपका दिमाग क्यों ना हो लेकिन अगर अच्छा खाना है ना आपके सामने तो आप सब कुछ भूल जाओगे। और वो क्या करता है ना, पहली बाइट लेता है और कहता है ना कि आपने बहरूज बिरयानी ऑर्डर करी है वहाँ से। अब जो रोशन होता है ना वो हाँ कहता है, और ये देख के ना साफ रोशन को पता चल रहा था कि भाई अनुज कितना खुश है। अब जो अनुज होता है ना वो कहता है आपको कैसे पता मैं आज आने वाला हूँ। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है तुम शायद भूल रहे हो कि मुझे ही बिरयानी पसंद है अनुज। अब वो ना जो अनुज होता है वो चुप हो जाता है बिल्कुल, और चुपचाप ना वो दोनों खाना खाते हैं। अब जो रोशन होता है ना वो कोशिश करता है कि वो ना साइलेंस को ब्रेक करे और ना एक बात करता रहे, तो वो पूछता है कि उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, और पूछता है कि भाई फ़ीस कब तक सबमिट करनी है, तुम कंफर्टेबल तो हो ना अलीशा के घर में। और ऐसा लगता है ना कि अनुज कितने सालों के बाद घर में आया, जबकि उसको गए हुए सिर्फ अभी 2 ही हफ्ते हुए थे। अब जो अनुज होता है ना वो कहता है पापा क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है कि हाँ आजकल तो तुम्हारे पास लगता है काफ़ी सवाल आ गए। अब जो अनुज होता है कहता है नहीं पापा बस एक चीज़। तो रोशन कहता है हाँ पूछो चलो। अब जो अनुज होता है ना वो कहता है कि आपने मेरा सरनेम क्यों नहीं रखा, मतलब मेरा नाम अनुज दीक्षित होना चाहिए था। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है ये कुछ ना पर्सनल है। तो अनुज कहता है ना क्या ये सुहास से रिलेटेड है। तो रोशन कहता है ना कि नहीं अनुज ये तुम्हारी माँ से रिलेटेड है। अब लोग क्या करते हैं ना, अपनी जो बिरयानी होती है वो फिनिश करते हैं, प्लेट उठाता है रोशन और फिर किचन की तरफ चला जाता है। फिर अनुज क्या करता है ना, अपने हाथ वाथ धुलता है ना, उसके पास पापा के पास खड़े हो जाता है और डिमांड करता है जो वो चाहता था। और वो कहता है ना कि मैं लेट हो रहा हूँ पापा। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है अगर तुम चाहो तो तुम अलीशा का जो लग्जरी घर है उसको छोड़ के यहाँ पर भी आ सकते हो, रुक सकते हो तुम। अब जो अनुज होता है ना वो कहता है नहीं पापा, कोई ना रिनोवेशन का काम चल रहा है उनके घर में, और तो उन्होंने कहा है कि मेरी मॉर्निंग में ना सुबह सुबह हेल्प कराना, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसलिए अगर आप जल्दी कर लोगे तो मुझे मम्मी का नेक्स्ट लेटर दे दो। अब जो रोशन होता है कहता है रिनोवेशन, पिछले 3 साल में उसने 3 बार रिनोवेशन करा लिया, पागल औरत। अब जो अनुज होता कहता है पापा। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है मुझे पता है तुम यहाँ लेटर के लिए आए हो। अब जो रोशन होता है ना वो मन में सोचता है कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि ये मुझसे मिलने आएगा, अगर ये कह देता ना कि मैं आपसे मिलने आया हूँ तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। अब जो रोशन होता है ना वो अपने बेडरूम में जाता है, जो अनुज होता है उनके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद क्या कहता है ना, जो रोशन होता है वो अलमारी खोलता है, कपड़ों के बीच में से ना एक लेटर निकालता है और ना उसको दे देता है। और जब वो लेटर अनुज को मिलता है ना तो अनुज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, साफ उसके चेहरे से दिख रहा था। अब जो रोशन होता है ना वो उसको सेकंड लेटर दे देता है, वो उसको खोलता है और पढ़ता है ना एकदम से। अब जो अनुज होता है ना वो कहता है आपको तो पता ही है ना मम्मी ने क्या लिखा है इसके अंदर। तो रोशन कहता है ना ऑब्वियसली मैंने ही लिखा है, और वो भी तुम्हारी मम्मी के रिक्वेस्ट करने पे। अब जो अनुज कहता है ना वो कहता है कितना वियर्ड है यार, मम्मी ऐसा क्यों करेंगी। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है कि कुछ भी वियर्ड नहीं है यार, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने तुम्हारे लिए लेटर्स लिखे हैं और तुम्हें पता है वो उनको लेटर लिखना कितना पसंद था। अब वो जो अनुज होता है ना वो लेटर को देखता है। अब जो रोशन होता है ना वो कहता है कोशिश करो गहराइयों को समझने की ना। अब उस लेटर में लिखा होता है ना हाय अनुज, ये रहा तुम्हारा अगला टास्क मेरे बेटे, जामा मस्जिद जाओ और रमज़ान के दिन जाना, कुछ भी ना सामान मत खरीदना खाने का, कोशिश करना जो मस्जिद के आसपास है वहीं से तुम सामान लो, किसी से मांगो, और शहादा के बारे में पता करना कि शहादा क्या होता है, एंड ऐसा क्यों कहते हैं कि देर इज़ नो गॉड देन अल्लाह, तुम्हारी प्यारी माँ, और नोट सही सवाल सही लोगों से ही पूछना। तो ये था इस चैप्टर में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।